हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो आज की पहली न्यूज़ है एलबिस यादव की तरफ से। एलबिस यादव का जो सॉन्ग आया है उसका लिरिक्स लिखा है इंकी विकास ने। तो इंकी विकास ने एलबिस यादव की अगेंस्ट एक IGTV वीडियो और कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए। उन्होंने IGTV वीडियो में बोला, एलबिस यादव यह सॉन्ग रिलीज करने से पहले एक बार भी नहीं पूछा। इंकी विकास के बहन का बर्थडे है, इसलिए उनके तरफ से यह सॉन्ग आ जाने वाला है और यह एलबिस यादव को पता था। फिर भी एलबिस यादव उनसे पहले सॉन्ग अपलोड कर दिए। तो आप लोग भी देखिए इनके विकास का उस IGTV वीडियो का एक छोटा सा पार्ट। जब मैंने ये 26 सितंबर 2019 को ये गाना लिखा तो ये मैंने मेरी फैमिली को भी सुनाया, मेरी बहन को, मतलब मैं सुना नहीं पाया। मैंने एलविस को बताया कि यार ये गाना लिखा है मैंने, तो इसने बोला कि भाई बहुत बढ़िया गाना है, इस गाने को अपन निकालेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, बट मैं मेरी कंपोजिशन में निकालूंगा और तू अपनी कंपोजिशन में निकालेगा। इसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इसको बताया था कि भाई 12 दिसंबर को दीदी का बर्थडे है और ये गाना निकालेंगे ही निकालेंगे। तो 2019 12 दिसंबर को हम नहीं निकाल पाए, ठीक है कोई बात नहीं। अब 12 दिसंबर जो आ रही थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये गाना मैं निकालूंगा। इस गाने को मैंने रिकॉर्ड किया 2 दिसंबर 2020 को। जब मैं ये गाना शूट करने जा रहा था मैंने इसको फ़ोन भी किया कि भाई एलविस ऐसे ऐसे बात है और मैं इस गाने को शूट करने जा रहा हूँ। तो ये कहता है कि यार भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये गाना तो मैं निकालने वाला था ना। तो मैंने बोला कि भाई तू अपनी कंपोजिशन में निकाल लियो, लेकिन अब 12 दिसंबर को ये मैं गाना निकाल रहा हूँ तो तू उसके बाद निकाल लियो। तो कहता है कि यार फिर तो ये मेरा तो कवर सॉन्ग बन के रह जाएगा। मैंने बोला यार कवर सॉन्ग तू निकाले मैं निकालूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। और भाई है यार, जब मैंने मतलब मेरे गाने को मैंने लिखा है, मुझे इससे शेयर करते हुए मतलब थोड़ी सी भी ये झिझक नहीं हुई कि यार ये मैंने गाना लिखा है, तो मेरे ख्याल से इसको भी झिझक नहीं होनी चाहिए थी। ऑलरेडी अपने वीडियोस वगैरह और इसमें सब लोगों को पता है भाई कि ये कितना अच्छा कर रहा है। फिर जब इसने 2 दिसंबर को जब मैंने इसको बताया तो इसने बोला कि भाई मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, पार्टिसिपेट मतलब इसने बोला कि भाई मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा। मैं ठीक है भाई मत करना, मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसने क्या किया, 7 या 8 दिसंबर को स्टोरी डाली कि आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ आ रहा है। तो मैं नहीं सोच सकता था कि भाई ये यही गाना निकाल देगा, और ना ही इसने मुझे बोला कि भाई मैं ये गाना निकालने जा रहा हूँ, जबकि इसको बोलना चाहिए था और बताना भी चाहिए था कि भाई मैं अपनी कंपोजिशन में ये गाना निकाल रहा हूँ। इसको पता चल गया था कि भाई 12 दिसंबर को इसका गाना आ रहा है तो इससे पहले निकाल देता हूँ, ताकि ना लोगों में मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भाई एलविस ने अपना गाना निकाल दिया। और इसने लिखा भी यही, एलविस यादव प्रेजेंट्स अपना गाँव। अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके ऊपर एलविस यादव का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अगर कोई भी रिप्लाई आता है एलविस यादव की तरफ से तो मैं नेक्स्ट न्यूज में बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज है धीरू मंचिक के तरफ से। तो आजूज ने एक वीडियो अपलोड किया उनके चैनल पे जिसका टाइटल है धीरू मंचिक कॉपीड माई वीडियो। और इस वीडियो में आजूज ने बोला धीरू मंचिक उनके वीडियो का 90% से ज्यादा कॉपी किया है और कुछ प्रूफ भी दिखाया है। तो आप लोग भी देखिए उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट। उसकी वीडियो का 90% मेरी वीडियो से उठाया गया था, लाइन टू लाइन, जोक टू जोक, पॉइंट टू पॉइंट, जो मैं तुम लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट वेयर ही स्टार्ट्स रिएक्टिंग टू द लाइफ ऑफ जस्टिन बीबर एंड रियाज अली। कूदते हैं। You're super zoomed in close to the camera, is that on purpose? एकदम कैमरे के अंदर घुस जा, ना के बाल दिखा दे इसे अपने। माना हमने तुम जिया दिखते हो, चॉकलेटी बॉय हो, लड़के तुम्हारी पहन। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है तुम कैमरे के अंदर अपना मुंह घुसा दोगे। You're super zoomed in close to the camera, is that on purpose or? भाई इफ आई एवर वेंट लाइव विद जस्टिन बीबर ऑन इंस्टाग्राम, एक्साइटमेंट के मारे में भले ही पैंट में बुद्धू, लेकिन मैं ऐसे कैमरा के अंदर नहीं घुस जाऊंगा उसके। You like my music? एक तो यार तुम साला पहले अपना जियो का रिचार्ज जो तुम्हारा एक्सपायर हुआ है इसमें रिचार्ज कराओ 399 रुपए का। ऐसा लग रहा है जैसे 20 kbps की स्पीड से लाइव गया हो। अच्छा नेटपैक पड़वा भाई, सारा का सारा पैसा अपने बाल और मेकअप में खर्च करना है क्या? या फिर हो सकता है टोनी सक्कर के गानों पे अपनी रामकली मटका मटका के इन्होंने पूरा का पूरा डेटा खत्म कर दिया हुआ। यू लाइक माई म्यूजिक, हक दिया ना, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। ये जो तुम जियो के 128 kbps पे लाइव जा रहे हो ना जस्टिन बीबर के साथ चूती, ये जो तुम अपने स्टोरी पे दिखाते रहते हो ना कि हाँ देखो हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और ये कैल्विन क्लाइन के बैग्स और एडिडास के बैग्स दिखाते हो तुम शॉपिंग, जो भले ही खाली हो, रिचार्ज करवा लेता लाइव जाने से पहले, रिचार्ज करवा लेता, क्योंकि तुमने अपना सारा डेटा तो फिल्टर डाउनलोड करने में और हेयर मेकओवर की वीडियोस देखने में ही उड़ा दिया। भाई तू इस पॉइंट पे अगर एयरटेल भी बोल देता ना तो मैं कुछ नहीं कहता। अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके ऊपर धीरू मंचिक का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अगर कोई भी रिप्लाई आता है धीरू मंचिक की तरफ से
तो मैं नेक्स्ट न्यूज़ में बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रिगर डिंसन के तरफ से। तो ट्रिगर डिंसन उनके सेकंड चैनल पे स्ट्रीम कर रहे थे और एक टाइम अचानक से उनका लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। फिर सारे लोग मीथपैड का स्ट्रीम पे जाके ट्रिगर डिंसन हैक स्पैम करने लग गया। एक टाइम ट्रिगर डिंसन को भी लगा उनका चैनल हैक हो गया है, लेकिन चैनल हैक नहीं हुआ था। तो आप लोग भी देखिए उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट। मेरे को लग रहा है मेरा ना हैक हो गया। कुछ भी क्या व्हाट हैक हो गया? कौन सा यूट्यूब? एक सेकंड। नहीं रे कुछ भी क्या? नहीं गिव मी अ रीजन फॉर दैट। व्हाई आर यू सेइंग दैट? क्यों ऐसे बोल रहे हैक हुआ पहले तो यार एक बात बताना, नेट चल रहा है सब चल रहा है तो स्ट्रीम क्यों बंद हो गई? दैट इज ओके, दैट इज ओके। वो मेरा बहुत बार हुआ ऐसा। अभी पूरा चैट चालू करेगा ट्रिगो हैक, ट्रिगो हैक। हां नियॉन मैन भी कल न्यूज़ आएगी भाई। नियॉन मैन ट्रिगो हैक क्वेश्चन मार्क। अरे यार चैट ने चालू कर दिया ट्रिगो हैक नियॉन मैन। नियॉन कुछ कह नहीं सकते सच में भी। नहीं रे ऐसे ऐसे हैक नहीं होता। हैक का दिस इज नोवेयर रिलेटेड टू हैक ना। बट अरे मैंने सच्ची में कहते हैं स्ट्रीम को की को रीसेट किया एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग का दबाया तो लाइव क्रिएट ही नहीं हो रहा। यस माय फ्रेंड इज नॉट हैक्ड। ओह आई एम नॉट हैक्ड। कैन वी हैव इसी बात पे एक लाइक। नेक्स्ट न्यूज़ है कैप्टन इंडिया के तरफ से। तो कैप्टन इंडिया उनके चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसका टाइटल है फ्लाइंग बीस्ट एक्सपोज्ड। लेकिन उस वीडियो में कैप्टन इंडिया फ्लाइंग बीस्ट को एक्सपोज नहीं किया है। कैप्टन इंडिया वो वीडियो मिलेनियल मानी नाम का एक यूट्यूबर है उसके ऊपर बनाया है। तो मिलेनियल मानी फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर 125 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं उनके चैनल पे। तो कैप्टन इंडिया उनके वीडियो में बताया कि मिलेनियल मानी फ्लाइंग बीस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, वो हेटरेट फैला रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट के अगेंस्ट। कैप्टन इंडिया का वो वाला वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। सोशल मीडिया रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।